दोस्तों, अगर आप भी शेफाली वर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के साथ साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी इस समय इंग्लैंड में मौजूद है, जहां इंग्लैंड की टीम के साथ ही महिला टीम की सीरीज चल रही है। आपको बता दें कि वनडे और टेस्ट सीरीज खेली जा चुकी है, लेकिन अब T20 सीरीज के लिए फैंस में उत्साह दोगुना हो गया, क्योंकि T20 क्रिकेट का ऐसा खेल ही है जिसमें रोमांच की कोई कमी होती नहीं है। चलिए आपको बताते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला T20 मुकाबला कब और कहां और कितने बजे खेला जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा में कौन है बेहतरीन हिटर बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी इस समय इंग्लैंड में मौजूद है, जहां पहले टीम ने इंग्लैंड के साथ में टेस्ट सीरीज खेली थी। बता दें कि खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था और सीरीज को बचाने में कामयाब रहे थे, लेकिन वही टीम ने T20 सीरीज में पूरी तरह से सभी को निराश कर दिया, क्योंकि 3 वनडे मैचों की इस सीरीज में भारतीय टीम शुरुआती दोनों मुकाबले हार गई थी, लेकिन तीसरा मुकाबला भारतीय टीम के पक्ष में रहा, क्योंकि कप्तान मिताली राज ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अंतिम ओवर में टीम को जीत दिलाई। इसी के साथ कहीं ना कहीं भारतीय टीम अब वापसी करती हुई नजर आ रही है, इसीलिए आप सभी की नजरें अब T20 सीरीज पर हैं। सीरीज का पहला T20 मुकाबला 9 जुलाई को भारतीय समय अनुसार रात 11 बजे से खेला जाएगा। आपको बता दें कि मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला है, इसीलिए इसका प्रसारण सोनी चैनल पर किया जाएगा, और अगर आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर इसे आप देख सकते हैं। वैसे तो हम भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं होता है, और फिर चाहे वो रात को 11 बजे ही मैच क्यों ना हो, इस मैच को हम बड़े ही चाव से देखना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि मैच में मुख्य जिम्मेदारी टीम के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के ऊपर होगी, क्योंकि स्मृति मंधाना तो शुरुआत से ही विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी करती हैं, और कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके ऊपर अच्छी खासी जिम्मेदारी होगी कि T20 सीरीज को जीतकर इंग्लैंड में इतिहास रचें। और वहीं शेफाली वर्मा भी इस समय शानदार फॉर्म से गुजर रही हैं। उन्होंने टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उनके खेल को देखकर पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की याद आती है, क्योंकि सहवाग शुरुआत से ही तेज बल्लेबाजी करने में विश्वास रखते थे और शेफाली वर्मा भी कुछ उसी अंदाज में बल्लेबाजी करती हैं। और अब T20 फॉर्मेट की ये सीरीज काफी ज्यादा रोमांचक होने वाली, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी जबरदस्त फॉर्म में है। उन्होंने वनडे सीरीज जीतकर भारतीय टीम को चेतावनी दे दी है कि T20 सीरीज भारत के लिए आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि कप्तान मिताली राज तो शानदार फॉर्म से गुजर ही रही हैं। उन्होंने वनडे सीरीज के तीनों मुकाबले में लगातार 3 अर्धशतक लगाए हैं। उसके बाद अब मिताली राज भी यही चाहेंगे कि अपने शानदार प्रदर्शन को बरकरार रखें और इंग्लैंड की टीम को पहले T20 मुकाबले में हराकर इंग्लैंड के ऊपर अपनी बढ़त बनाए, और इस मुकाबले का रोमांच तो अपने आप दोगुना हो जाएगा जब शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना की जोड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करेगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि पहले T20 मुकाबले में क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को हरा पाएगी या फिर नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।